नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। झांसी जनपद के परीक्षा थर्मल पावर प्लांट में एक मजदूर की मौत हो गई। काम करते समय प्लांट में बेल्ट में फंसने से यह हादसा हुआ है। मृतक का नाम जुगल किशोर झा है, जिसकी उम्र करीब 52 वर्ष है। पहाड़ी बुजुर्ग थाना चिरगांव का बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झांसी जनपद के बड़ागांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अमेठी में पुलिस की नाक के नीचे अवैध खनन का खेल चल रहा है। पुलिस की शह पर जेसीबी लगाकर पाली ग्राम पंचायत में खनन करवाया जा रहा है। मामला बाजार शुक्ल के पाली ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है। तो अमेठी का यह पूरा मामला है, जहां पर जेसीबी लगाकर पाली ग्राम पंचायत में अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। ये खेल लगातार पुलिस की नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। पुलिस के शह पर जेसीबी लगाकर पाली ग्राम पंचायत में ये खनन करवाया जा रहा है। आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 टॉर्च रिले मशाल रैली के झांसी भवन पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रागेश एस और मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद द्वारा भव्य स्वागत किया गया। टॉर्च रिले मशाल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और खुद रैली में प्रतिभाग कर खेलों के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों, खेल प्रेमियों और अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया है। नगर निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में 13 नगर निकाय में 1326 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला होगा। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। जिले में 5 नगर पालिका, 7 नगर पंचायत, नगर निगम सहित कुल 13 सीटों पर मतगणना होनी है। मतगणना के लिए 550 कर्मचारी और 16 स्टैटिक मजिस्ट्रेट निगरानी करेंगे। सभी मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा के साथ सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। मतगणना के दौरान मतगणना स्थल पर प्रत्याशी और उनके एजेंट को अंदर रहने की अनुमति मिलेगी। जिले में 5 जगहों पर मतगणना होगी, जिसमें बीकेडी का कोठारी हॉल, मूंठ मंडी, उग्रसेन महाविद्यालय, मऊरानीपुर, एसआई कॉलेज, गरौट और तहसील भवन टहरौली शामिल है। झांसी के सीपरी बाजार थाना पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद सहित आधा दर्जन लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक मसीहागंज निवासी सुदेश बेरी पत्नी रविंद्र ने सीपरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी जमीन अपने नाम कराकर उसे चेक कर दिया गया था, जिसका भुगतान न होने के 7 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है और पैसे मांगने पर धमकी देने का भी आरोप यहाँ पर लग रहा है। झांसी में पुलिस और आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1530 लीटर अवैध कच्ची शराब पकड़ी, साथ ही साथ 6000 किलोग्राम लहन भी नष्ट कर दिया है। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई आबकारी टीम ने आबकारी निरीक्षक शिशुपाल सिंह, नीलम सिंह, रामाधार पाल, वहीं रक्षा पुलिस में थाना प्रभारी अरुण कुमार तिवारी, अशोक कुमार सिंह सहित तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। रक्षा में 3 मुकदमे भी पंजीकृत कर दिए गए हैं। प्रयागराज में नगर निगम तथा 8 नगर पंचायतों की मतगणना अलग अलग स्थलों पर कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार खत्री, पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा के द्वारा मुंडेरा मंडी परिसर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान नगर निगम की मतगणना के साथ साथ 8 नगर पंचायतों की मतगणना संबंधित तहसीलों में निर्धारित स्थलों पर होगी। इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। नगर निगम में महापौर और 100 वार्ड में पार्षद के लिए वोट पड़े हैं। इनकी गणना मुंडेरा मंडी परिसर में बनाए गए 56 टेबल पर होगी। हर टेबल पर 2 वार्ड की मतगणना होगी। अधिकतम 2 टेबल पर 31 राउंड की मतगणना होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, एसडीएम वित्त और राजस्व जगदम्बा प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। मतगणना के दौरान फोर्स भी तैनात रहेगी। कई अन्य पाबंदियां भी लागू रहेंगी। मतगणना स्थल पर पानी की बोतल, माचिस, टॉनिक के उपकरण पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। अभिकर्ता अकाउंटिंग टेबल से दूर रहेंगे, जिसके लिए कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। नगर निगम में जो मतदान हो ईवीएम के माध्यम से हुआ है, 8 बजे सुबह
हमारे स्ट्रॉन्ग रूम ओपन हो जाएंगे और 8 बजे हम लोगों की यहाँ ईवीएम से मतगणना शुरू हो जाएगी। हम पोस्टल बैलेट की और ईवीएम की मतगणना को साथ साथ शुरू करा देंगे और स्ट्रॉन्ग रूम को प्रत्याशी और उनके एजेंट की उपस्थिति में खोला जाकर हम मतगणना को शुरू कराएंगे। कुल हमारी 112 टेबल से ईवीएम की मतगणना के लिए और 17 टेबल से हमारी पोस्टल बैलेट की मतगणना के लिए हमने काफ़ी बड़ी संख्या में प्रत्याशियों के एजेंट्स को भी पास जारी किए हैं, तो उनकी उपस्थिति में हमारे आरओ साहिबान मतगणना को शुरू कराएंगे। रायबरेली में प्राथमिक विद्यालय के एक बच्चे समेत 4 छात्र एसिड से झुलस गए हैं। बच्चों में 2 की हालत गंभीर है। सभी छात्रों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला मिल एरिया थाना इलाके के हरदासपुर प्राथमिक विद्यालय का है। यहां स्कूल की छुट्टी होने पर सभी बच्चे एक साथ घर जाने के लिए निकले थे। इसी दौरान स्कूल के आगे मुख्य मार्ग पर स्थित सुनार की दुकान के सामने 4 बच्चे दुकान से फेंके गए ज्वलनशील पदार्थ की चपेट में आ गए। बच्चों के शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ पड़ने पर वो जलन से तड़पने लगे। बच्चों को आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 2 की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि आभूषण साफ करने के लिए ग्लास में रखे एसिड को पानी समझकर सुनार के 4 वर्षीय बेटे ने फेंका था, जिसकी चपेट में सभी मासूम आ गए। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जैसा अभी तक जो प्रथम दृष्टया जांच में चीजें आई हैं, ये 4 प्राथमिक विद्यालय हरदासपुर के छात्र थे जो विद्यालय से वापस आ रहे थे। वापस आते समय उनके ऊपर एक केमिकल गिर गया। इस विषय में ये ज्ञात हुआ कि हरदासपुर में एक शंकर ज्वेलर्स नाम की दुकान है, जहां पर आभूषण साफ करने वाला केमिकल रखा हुआ था और एक्सीडेंटली एक 5 साल के बच्चे ने वो केमिकल एकदम रोड की तरफ फेंका और ये बच्चे गुजर रहे थे, उनके ऊपर ये केमिकल गिर गया। पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। बच्चे फिलहाल यहाँ उपचाराधीन है, उनका उपचार चल रहा है। जैसा आगे जांच में आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हरदासपुर से 4 बच्चे लाए गए हैं, जिनके उनके फादर मम्मी के द्वारा लाया गया था। चारों बच्चों को एग्जामिन करने पर यही पता चला कि 2 बच्चे, एक हुसैन है, एक रहमान है जो 8 साल, 1 5 साल का है, एक बच्चा है आरिफ जो 10 साल का है, एक तबस्सुम है जो 10 साल की बच्ची है। इन चारों बच्चों को केमिकल अटैक हुआ है, उनके फादर द्वारा पता चला। एग्जामिन करने के बाद से रहमान और हुसैन जो सीरियस थे उनको एडमिट कर दिया गया, बाकी सर्जन साहब देखे उसको रेफ़र भी कर दिए। बाकी जो 2 बच्चे हैं, एक आरिफ एक तबस्सुम, जिनको सुपरफिशियल बर्न है, केमिकल बर्न है, लेकिन ये खतरे से बाहर हैं, फिर भी दोनों को एडमिट करके इनका इलाज चालू है। महाराजगंज जनपद के 10 नगर निकायों की मतगणना कल यानी कि 13 मई को होनी है। ऐसे में मतगणना से ठीक पहले ही महाराजगंज सदर नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पलता मंगल और उनके पति निर्मेश मंगल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम सत्येंद्र कुमार से समाजवादी पार्टी के एजेंटों के पास सदर कोतवाली से फोन कर धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत के साथ ही डीएम निष्पक्ष मतगणना कराने की अपील की है। सपा प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पलता मंगल ने कहा है कि उन्हें शक है कि बीजेपी मतगणना के दिन बड़ी गड़बड़ी करा सकती है। ऐसे में पुष्पलता मंगल ने बीजेपी के स्थानीय नेताओं पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि स्ट्रांग रूम में 2 घंटे तक पिछले कुछ दिनों में बिजली की कटौती हुई है, इस दौरान कुछ न कुछ गड़बड़ी किए जाने की कोशिश है। ऐसे में मतगणना निष्पक्ष हो, इसके लिए डीएम से मिलकर निष्पक्ष मतगणना कराने की अपील की गई है। तो मेरे पति एजेंट बने हुए हैं और उनके पास कल रात में कोतवाली से फोन गया। फोन किसका था ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमारे पति के साथ साथ में सभी एजेंटों के पास फोन किया और एजेंट लोगों से बोला कि आप लोग क्यों इनके एजेंट बने हुए हैं। बस इतनी सी बात को लेके मैं, मतलब मुझे थोड़ी आशंका है कि जो पुलिस प्रशासन है वो गड़बड़ी कराने के मूड में है, तो इसलिए मैं जिलाधिकारी सर के पास आई थी और उनके पास मैंने अपनी बात रखी और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। वे बदायूं में डीएम एसएसपी के साथ स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है। 6 मतगणना स्थलों पर कल 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। डीएम एसएसपी ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। मतगणना के लिए सभी जगह भारी फोर्स तैनात की गई है। एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने कहा कि मतगणना स्थल पर पुलिस के साथ पीएसी और पीएवीसी सुरक्षा में तैनात रहेगी। जीत के बाद किसी प्रत्याशी को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है। बदायूं जनपद में किस निकायों के लिए कल मतगणना होनी है। महोबा में अधिवक्ताओं द्वारा प्रदर्शन करते हुए वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और अधिवक्ता कल्याण निधि योजना की राशि बढ़ाकर
10 लाख रुपए किए जाने की मांग सहित वकीलों की समस्याओं और भविष्य की सुविधाओं की मांग को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया है। वहीं न्यायिक कार्य से विरत होकर प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो फिर अधिवक्ता बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज हम लोगों ने अधिवक्ताओं की समस्याओं और भविष्य की सुविधाओं को लेकर के जो है एक ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित करते हुए हमने एसडीएम महोबा को दिया है। अभी 12 और 13 अप्रैल को कानपुर में प्रांतीय अधिवेशन हुआ था अधिवक्ताओं का, उसमें हम लोगों ने तमाम मांगें रखी थी। जैसे हमारे नए अधिवक्ता हैं उनको जो है कम से कम 5 साल तक जो है सुविधाएँ दी जाएँ, बैठने की व्यवस्था दी जाए और आर्थिक रूप से भी उनकी मदद की जाए। वकीलों ने अपने संवर्ग के हितों से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश के नाम से प्रस्तुत किया है जिसे वहां भेजा जा रहा है। उन्होंने अपने संवर्ग से संबंधित की 5 साल तक स्टाइपेंड दिया जा रहा है, कल्याणकारी बातों के लिए मांग की है सरकार से, तो उसे मूल रूप से संलग्न करके प्रेषित किया जा रहा है। हाँ, मेन मांग ये है कि अभी अधिवक्ता कल्याण निधि में हम लोगों को 5 लाख रुपया दिया जा रहा था, लेकिन अब वो मांग हमारी 10 लाख की है। 70 वर्ष के जो अधिवक्ता हो चुके हैं जिनकी वकालत 25 वर्ष की समाप्त हो चुकी है, उनको पेंशन के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए। और हमारे अभी पूर्व में अभी हमारे जो 6 तारीख को हमारा सम्मेलन हुआ था, वहाँ 78 जिले के अध्यक्ष महामंत्री लोग पहुँचे थे, जहाँ निर्णय लिया गया था कि इस मांग को लेकर के आज हम लोग 12/5/23 को कार्य से व्रत रहेंगे, न्यायालय में काम नहीं करेंगे। ये हमारी मांगें हैं। लखनऊ से बिजनौर पहुंचा हिस्ट्री शीटर शेरबाज पठान 4 मई को निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान का आरोपी है। शेरबाज कांग्रेस प्रत्याशी जीतन परवीन और पति शेरबाज ने भाजपा समर्थकों के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने 12 नामजद 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान हिस्ट्री शीटर को बिजनौर कोर्ट में पेश किया जाएगा। उधम सिंह नगर जनपद के अपने दौरे के दौरान खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खटीमा में नगरा तराई स्थित अपने घर पर मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं को सुना है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं के तत्काल निस्तारण के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री खटीमा से रुद्रपुर में आयोजित उद्योग बंधु के मीटिंग के लिए भी रवाना हो गए हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग छिंका के पास बोल्डर आने से राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। राजमार्ग के आमने सामने वाहनों की लंबी कतारें लग गई, यात्री परेशान रहे। राजमार्ग खुलने में लगभग 2 घंटे का समय लग गया। ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र के खदरी में संतोषी माता मंदिर के निकट की वाली जमीन प्रशासन ने 50 परिवारों का अवैध रूप से रहना पाया है। प्रशासन सभी परिवारों को सप्ताह भर के अंदर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। एसडीएम को डीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें अवगत कराया गया है कि वो सभी परिवार पिछले कई दशक से संबंधित भूमि पर काबिज हैं। कुछ भूमाफिया संबंधित भूमि पर कब्जा करने की नीयत से प्रयास कर रहे हैं। जब लोगों ने भूमाफियाओं को कब्जा देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने शिकायत कर सरकारी स्तर से जमीन को खाली कराने का षड्यंत्र रचा है। लोगों ने शासन से संबंधित भूमि पर परिवारों को काबिल रहने देने की मांग की है। देखिए, इसमें से लक्कड़ घाट से जो कुछ लोग हैं वहां पर बसे हुए हैं, तो उसमें अभी अवैध अतिक्रमण के जो चिन्हीकरण किया गया है तो उसके अंतर्गत आ रहे हैं ये लोग। तो इनके द्वारा ये मांग की जा रही है कि ये कई वर्षों से वहां पर हैं तो इनको ना हटाया जाए। उसी के संबंध में इन्होंने एक ज्ञापन दिया जिलाधिकारी महोदय के लिए, तो वो ज्ञापन हम जिलाधिकारी महोदय के लिए। ये ग्राम पंचायत खदी खड़कपात में लक्कड़ घाट में संतोषी माता मंदिर के सामने जो ढाली वाली जमीन है, तो वो जमीन जो है सीलिंग के अंतर्गत आ रही है। उसमें तो उसमें अभी कुछ ये प्रॉपर्टी डीलर जो है उसपे जो है जमीन लोगों से अनुपने दाम में खरीदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पे जो है लोग जो बसे हुए हैं काफी सालों से, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसमें से वहां पे कुछ लोगों ने जो है एसडीएम साहब के यहाँ जो और एसडीएम साहब के यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ और आयुक्त महोदय के एप्लीकेशन डाल दिए।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने सनातन परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हरिद्वार के सिडकुल स्थित पेंटागन मॉल पहुंचकर द केरला स्टोरी दिखाई है और साथ ही अध्यक्ष ने सभी देशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि द केरला स्टोरी जरूर देखें। फिल्म में इस तथ्य को भी प्रदर्शित किया गया है कि किसी तरह से बालिकाओं का ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन किया जा रहा है। साथ ही अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से अपील की है कि द केरला स्टोरी को राज्य में टैक्स फ्री किया जाए। उद्देश्य ये है कि जो हमारे साथ रहते हैं, जैसे आपने उत्तराखंड में देखा होगा एक लैंड जहाज का विवाद है, तो लैंड जहाज जब कहीं पे जब लैंड एक्वायर की जाती है वहाँ मज़ार बनता है, तो उसी मज़ार में हमारे सब मुसलमान बुरे नहीं होते, मुसलमान भाई हमारे बहुत अच्छे मुसलमान भाई है, मीडिया में मुसलमान है, हमारे साथी मुसलमान है, ऐसी बात नहीं है। जब भी हमारा कोई कांवड़ मेला होता है मुसलमान ही हमारी जो कांवड़ वो जो होते वो बनाते हैं, कहीं जो कट्टरपंथी होते उनका मेन उद्देश्य है कि जो हम जो हिंदू जो है हिंदुओं के साथ हमें बदला लेना है, और बदला क्या है जो हमारी बहन बेटियाँ उनके साथ उनको एक बदले की भावना उनमें होती है, तो चीज से बचने के लिए हमने फिल्म को देखना बहुत जरूरी है और सबको ये फिल्म देखनी चाहिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक हिंदू युवती को हरिद्वार जिले के रुड़की पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति दी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी को निर्देश दिया है कि युवती को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने भी युवती को पिरान कलियर में नमाज पढ़ने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह का कहना है कि अभी तक हरिद्वार पुलिस को नैनीताल हाईकोर्ट का लिखित फैसला प्राप्त नहीं हुआ है, मगर जनपद की पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से युवती को सुरक्षा देने के लिए अपनी तैयारी कर चुका है। विभिन्न माध्यमों से जानकारी मिली कि युवती द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसमें उनके द्वारा पिरान कलियर क्षेत्र में नमाज अदा करने के लिए परमिशन मांगी गई थी, साथ ही साथ सुरक्षा की बात भी की गई थी। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का अभी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जो भी विभिन्न माध्यमों से पता हुआ चला है, इसमें अगर कुछ शिकायतकर्ता आते हैं या जो भी आदेश है उसका 100% तो पालन किया ही जाएगा। साथ ही साथ अन्य कोई भी इस तरह की किसी की शिकायत हो, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है, वो कहीं भी जाकर अपने धर्म के अनुसार या कार्य कर सकता है, पूजा अर्चना कर सकता है या नमाज पढ़ सकता है। अगर उसमें कहीं कोई अवरोध उत्पन्न करता है और वो गलत काम करेगा, शरारती तत्व कोई भी होगा, तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। हरिद्वार जिले के ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर और साधु संतों के बीच विवाद हो गया है। ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने अपने एक बयान में मजार को समाधि बताया था, जिस पर साधु संतों ने आक्रोश जताया, जिसका जवाब देते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के महंत रविंद्र पुरी ने इसे विधायक के लिए आपत्तिजनक बताया था, लेकिन अब रवि बहादुर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को चुनौती दे रहे हैं, उनके ऊपर कई आरोप भी लगा रहे हैं। वहीं संतों ने महंत रविंद्र पुरी का समर्थन करते हुए रवि बहादुर को अपने बयानों पर संभालने को कहा है। संतों का कहना है कि मजारों को लेकर कोई मौलवी मौखिक नहीं हो रहा है, लेकिन कांग्रेस द्वारा संतों के खिलाफ तहरीर दी जा रही है, समाज के लिए निंदनीय है। बरेली से लाकर स्मैक बेची जा रही है, जिसके साथ ही दो युवकों को कुंडा थाना पुलिस की टीम ने धर दबोचा है। ये सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक काशीपुर के निदेशन और क्षेत्राधिकारी काशीपुर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुंडा के नेतृत्व में थाना कुंडा पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान पुराना ढीला पुल काशीपुर मुरादाबाद रोड के पास से दानिश अली मोहम्मद हनीफ निवासी लक्ष्मीपुर पट्टी के एक प्लास्टिक की पन्नी में करीब अवैध स्मैक के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारी गणों के लगातार निर्देशों के बाद ये कुंडा पुलिस ने कल एक अच्छी कार्रवाई की है। इसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को अरेस्ट किया है, एक है इसमें से दानिश आलम है और एक मोहम्मद आमिर है। ये दोनों ही बांसपुरान क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके पास से लगभग 10.5 ग्राम स्मैक दोनों के पास से बरामद हुआ है। और श्रावस्ती में निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। जिला प्रशासन पुलिस ने मतगणना के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। कल सुबह 8 बजे से दोनों मतगणना स्थलों पर गिनती शुरू हो जाएगी। डीएम और एसपी ने मतगणना स्थल पर जो कर्मी लगाए गए हैं उनको ब्रीफ किया है। डीएम नेहा प्रकाश और एसपी प्राची सिंह ने निष्पक्ष मतगणना कराने का यहाँ पर निर्देश दिया है। नगर पालिका परिषद भिंगा का नवीन मंडी खरगौ और नगर पंचायत इकौना का तहसील परिसर इकौना में मतगणना कराई जाएगी।
सुरक्षा के हम लोग ने काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं। 3 कॉर्डन में ड्यूटियाज लगी हैं, आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन और आइसोलेशन कॉर्डन। लगभग 400 की फोर्स हम लोगों ने दोनों सेंटर्स पे लगाई हैं, भिनगांव और इकोना में। और जो हमारे पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग है वो मेरे और डीएम मैडम के द्वारा कर दी गई है। और जो फोर्स के खाने पीने का इंतजाम है वो भी कर लिया गया है। हम लोग पूरी सतर्कता से ड्यूटी करेंगे और अपेक्षित यही रहेगा कि पूरे जो भी लॉ एंड ऑर्डर है हमारे ज़िले का वो अच्छे से बना रहे और पूर्ण सहयोग से सबके सकुशल ये भी संपन्न हो। महोदया के साथ सिक्योरिटी ब्रीफिंग की गई है जिसमें सभी पुलिसकर्मी उपस्थित थे जिनकी कल मतगणना में ड्यूटी लगी है। इसके अलावा यहाँ हमारे आर ओ साहब, एडीएम समर थाना के अंदर गुंडई करने वाले विधायक के बचाव में अब सपा विधायक इकबाल महमूद कूद गए हैं। उन्होंने विधायक राकेश प्रताप सिंह को शरीफ आदमी से संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में अपनी बातें कहने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है जो पूरी तरह से गलत है। मेठी के विधायक राकेश प्रताप सिंह के साथ ज्यादती हुई तो अच्छी बात नहीं होगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सीएम योगी विधायक के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। देखिए, राकेश प्रताप सिंह विधायक हैं, अच्छे परिवार के व्यक्ति हैं, 3-4 बार से विधायक हैं और शरीफ आदमी हैं। उनके क्षेत्र के अंदर नगर पालिका का चुनाव हो रहा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। जो हमारी पार्टी का कैंडिडेट था उसको और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।